Hi guys, welcome to B Prep, where we whiteboard quant questions appeared in previous year papers. Before we start with the question, please take a moment to subscribe to the channel to get updates on latest videos if you are preparing for any of the competitive exams. Let's start. A okay, calculator has two memory buttons A and B. Value 1 is initially stored in both memory locations. Um, the following steps of this following sequence of steps is carried out. Okay, uh, what is the value of memory location? एट ओके okay. तो अब ये क्वेश्चन पढ़ के 8085 और 8086 माइक्रोप्रोसेसर जिन्होंने पढ़ा होगा बी में उसकी याद आ गई तो लेट्स से कि ये दो मेमोरी लोकेशन है ए और बी मतलब, ठीक है मेमोरी लोकेशन मतलब जहाँ पे कि कोई वैल्यू है ठीक है इट्स काइंड ऑफ अ बकेट ये वेरिएबल मान लो अगर अलजबरा जानते हो तो वेरिएबल मान लो प्रोग्रामिंग जानते हो तो भी वेरिएबल मान लो दोनों की वैल्यू इनिशियली वन और वन है ए की भी वैल्यू वन है बी की भी वैल्यू वन है एंड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज़ केरिड आउट फाइव टाइम्स अब इसमें पाँच बार कोई ये जो स्टेप्स हैं वो किए हुए हैं उसके बाद फाइनली ए का वैल्यू कितना आएगा वही निकालना है तो अब स्टेप्स में क्या है एड वन टू बी बी में पहले हम लोग वन ऐड कर दे रहे हैं ठीक है तो बी की वैल्यू हो गई अब टू अच्छा पांच बार करना है ये स्टेप तो हम लोग ऐसे लाइन एक डाल देते हैं बी में प्लस वन करना है तो बी की वैल्यू हो गई टू ठीक है और अब क्या बोल रहा है उसके बाद मल्टीप्लाई ए टू बी एंड स्टोर द रिजल्ट इन ए अब ए और बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी है और उसको ए में रखना है तो टू इंटू वन ए की वैल्यू अब हो जाएगी टू ठीक है तो ये एक बार हमने स्टेप कर लिया अब यही चीज हम लोग को पांच बार करनी है तो ये हो गया वन इटरेशन सेकेंड इटरेशन में क्या होगा वापस बी में एक ऐड करो तो बी की वैल्यू हो गई टू थी अब थ्री हो गई और अब थ्री इंटू टू ए की वैल्यू हो जाएगी सिक्स ठीक है तो ये सेकेंड इटरेशन हो गया ठीक है जो स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं उसमें यही लिखा हुआ है कि बी में एक ऐड करो उसके बाद बी और ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करो जो रिजल्ट है वो ए में स्टोर हो जाएगा तो ए की वैल्यू अब यहाँ छः हो गई थर्ड इटरेशन में क्या होगा वापस बी में प्लस वन कर देते हैं तो ये हो गया फोर और सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर ठीक है ये हो गया थर्ड इटरेशन ऐसा पांच बार करना तो फोर्थ इटरेशन में क्या होगा बी की वैल्यू वापस प्लस वन हो गई तो ये आ जाएगा पाँच और ये आ जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू फाइव वन ट्वेंटी ए की वैल्यू हो जाएगी वन ट्वेंटी ये हो गया फोर्थ इटरेशन अब फिफ्थ इटरेशन लास्ट इटरेशन फिफ्थ इटरेशन में क्या होगा वापस सेवन करना है और ये छः हो गया तो वन ट्वेंटी इंटू सिक्स बारह छः बहत्तर सात सौ बीस तो ए की वैल्यू हो गई सेवन ट्वेंटी तो फिफ्थ इटरेशन के बाद ए की वैल्यू क्या आ रही है सेवन ट्वेंटी आ रही है ठीक है यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चन प्लीज पोस्ट इन कमेंट्स एंड गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन बिलो टू गेट अपडेट्स ऑन लेटेस्ट वीडियो थैंक यू